नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने सामान्य भाषा विज्ञान पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सामान्य भाषा विज्ञान का एक प्रकार है और इसको अंग्रेजी में जनरल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। सामान्य भाषा विज्ञान को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सामान्य भाषा विज्ञान और इसे अंग्रेजी में जनरल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। सामान्य भाषा विज्ञान को समझना बहुत ही आसान है। बताया कुछ बिंदुओं के माध्यम से, कुछ बिंदुओं की सहायता से हम सामान्य भाषा विज्ञान को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिनमें पहला बिंदु है कि सामान्य भाषा विज्ञान सामान्य भाषा का अध्ययन करता है। सामान्य भाषा विज्ञान सामान्य भाषा का अध्ययन करता है, एक। और दूसरी बात क्या होती है कि सामान्य भाषा विज्ञान सामान्य भाषा के सामान्य तथ्यों का अध्ययन करता है। सामान्य भाषा विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में जनरल लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, सामान्य भाषा का अध्ययन करता है या विशिष्ट भाषा का अध्ययन नहीं करता है, भाषा विशेष का अध्ययन नहीं करता है। सामान्य भाषा विज्ञान भाषा विज्ञान का वह प्रकार है जिसमें किसी भाषा विशेष का अध्ययन नहीं किया जाता है और इसमें सामान्य भाषा के भी सामान्य तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो दो स्थितियां हैं सामान्य भाषा विज्ञान की, एक तो सामान्य भाषा का अध्ययन किया जाता है और दूसरा यह कि सामान्य भाषा में भी सामान्य तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अगर यहाँ विशेष कर देंगे तो वह विशिष्ट भाषा विज्ञान हो जाएगा, विशेष भाषा विज्ञान हो जाएगा, या यहाँ सामान्य भी रहे लेकिन यहाँ विशेष कर देंगे तो विशेष तथ्यों का अध्ययन, तो वह विशिष्ट भाषा विज्ञान हो जाएगा। तो यह दो बिंदु कि सामान्य भाषा विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है, किस प्रकार की भाषा के अध्ययन से संबंधित है, तो यह हमें ध्यान में रखना है। और तीसरी बात जो मैंने स्पष्ट की है, सामान्य भाषा विज्ञान भाषा विशेष का अध्ययन नहीं करता है, नहीं करता है। सामान्य भाषा का अध्ययन करता है, सामान्य भाषा के सामान्य तथ्यों का अध्ययन करता है, इस अध्ययन से सामान्य भाषा विज्ञान संबंधित है, लेकिन भाषा विशेष का अध्ययन सामान्य भाषा विज्ञान नहीं करता है। सामान्य भाषा विज्ञान भाषा विशेष के अध्ययन से संबंधित नहीं है, बिल्कुल संबंधित नहीं है। चौथा क्या है कि
यह अध्ययन जो है काल निरपेक्ष अध्ययन है। काल सापेक्ष अध्ययन नहीं है, यह ध्यान में रखना है। सामान्य भाषा विज्ञान में सामान्य भाषा के सामान्य तथ्यों का काल निरपेक्ष अध्ययन किया जाता है, काल सापेक्ष अध्ययन नहीं किया जाता है। और पांचवी तथा आखिरी बिंदु है, अंतिम बिंदु है कि यह स्थान निरपेक्ष अध्ययन है, हाँ स्थान सापेक्ष अध्ययन नहीं है। यह इतने बिंदुओं का हमें ख्याल रखना है, हमें विचार करना है। अब सामान्य भाषा में किसी भाषा का नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन भाषा के सामान्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे, किसी भाषा विशेष का नाम हम उसमें नहीं लेंगे। और सामान्य तथ्य क्या हैं भाषा के, तो भाषा का उद्भव कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो यह सामान्य तथ्य जो है ये किसी भी भाषा से संबंधित है। इसमें भाषा विशेष की कोई स्थिति ही नहीं निर्मित होती है। तो यह समझना है कि फिर भाषा में विकास क्यों होता है, परिवर्तन क्यों होता है, परिवर्तन से भाषा के स्वरूप में और उसके तत्वों या अंगों में, ध्वनि में, शब्द में, रूप में, वाक्य में, अर्थ में, प्रोक्ति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, यह फिर भाषा की संरचना में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो इन सब तथ्यों का अध्ययन, समान तथ्यों का अध्ययन समान भाषा विज्ञान में किया जाता है। कैसे एक भाषा जो है वह विकास करते करते कई भाषाओं में रूपांतरित हो जाती है, और कैसे एक भाषा से स्थान और काल के अनुसार कई भाषाएं बन जाती हैं, कोई भाषा क्यों जो है मृत हो जाती है, कोई भाषा क्यों जीवित रहती है, कोई क्षेत्रीय भाषा किस प्रकार जो है साहित्यिक भाषा हो जाती है, कोई बिल्कुल ही सीमित स्थान की भाषा जो है कैसे राष्ट्रभाषा हो जाती है, कैसे राजभाषा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है, तो इन सभी सामान्य तथ्यों का अध्ययन जो है हम सामान्य भाषा विज्ञान में करते हैं, यह ध्यान में रखना है। और इसके विपरीत जो है भाषा, सामान्य भाषा विज्ञान के जो विपरीत भाषा है वह विशिष्ट भाषा विज्ञान, विशिष्ट भाषा विज्ञान। और विशिष्ट भाषा विज्ञान को स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं विशिष्ट भाषा विज्ञान को। अब इसी सामान्य भाषा में हम क्या करेंगे कि सभी बिंदु इसी प्रकार रहेंगे, सिर्फ एक क्या करेंगे कि इस सामान्य शब्द को हटा करके क्या करेंगे, विशिष्ट भाषा का, विशिष्ट भाषा का अध्ययन विशिष्ट भाषा विज्ञान कहलाता है, या भाषा विशेष का अध्ययन विशिष्ट भाषा विज्ञान कहलाता है। विशिष्ट भाषा विज्ञान में हम विशिष्ट भाषा का अध्ययन करते हैं, विशिष्ट भाषा विज्ञान में
विशिष्ट भाषा विज्ञान में हम विशिष्ट भाषा का अध्ययन करते हैं और विशिष्ट भाषा विज्ञान में हम विशिष्ट भाषा के सामान्य तथ्यों का अध्ययन करते हैं और ये तब सही हो जाएगा कि विशिष्ट भाषा विज्ञान में भाषा विशेष का अध्ययन करते हैं और इसमें भी काल निरपेक्ष और स्थान निरपेक्ष अध्ययन हम करते हैं। तो यह है। और काल सापेक्ष अध्ययन करेंगे तो वह ऐतिहासिक अध्ययन हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है। और वह ऐतिहासिक अध्ययन जो होगा किसी न किसी स्थान से संबंधित भाषा का ही होगा, क्योंकि जब काल जोड़ेंगे तो स्थान जो है स्वभावतः उससे जुड़ेगा, या स्थान जोड़ेंगे तो वह किस काल की भाषा थी, तो दोनों परस्पर जुड़ते हैं। तो हम ऐसा नहीं करके विशिष्ट भाषा विज्ञान में हम क्या करते हैं कि भाषा विशेष का अध्ययन करते हैं और भाषा विशेष के समान तथ्यों का अध्ययन करते हैं। विशिष्ट भाषा का अध्ययन विशिष्ट भाषा विज्ञान कहलाता है। और एक वर्ग मैंने सामान्य भाषा विज्ञान और विशिष्ट भाषा विज्ञान का पूर्व में लिया हुआ है, उसमें बहुत सारे सामान्य भाषा विज्ञान के उदाहरण, जैसे कि सामान्य भाषा विज्ञान के नाम से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की एक पुस्तक ही, वह सामान्य भाषा विज्ञान की पुस्तक, वो उसमें किसी भाषा विशेष का अध्ययन नहीं, सामान्य भाषा के समान तथ्यों का ही उसमें अध्ययन। और चाहे नाम के आगे, भाषा विज्ञान की पुस्तक के नाम के आगे जो है सामान्य शब्द नहीं भी जुड़ा हो, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो पुस्तक है भाषा विज्ञान, या फिर आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की जो पुस्तक है भाषा विज्ञान की भूमिका, या फिर डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की जो पुस्तक है भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र, तो ये सब सामान्य भाषा विज्ञान की ही पुस्तकें हैं। इसमें सामान्य भाषा का और सामान्य भाषा के समान तथ्यों का ही अध्ययन हुआ है, किया गया है, इसमें दो मत नहीं हैं। और विशिष्ट भाषा विज्ञान जैसे हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, या हिंदी भाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है, या हिंदी भाषा डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक है, तो ये सब विशिष्ट भाषा विज्ञान की पुस्तकें हैं। और यह हमें ध्यान में रखना है, भाषा विज्ञान को हम इसी तरह से विश्लेषित करके और अच्छी तरह समझ सकते हैं। और आज हमने देखा है कि सामान्य भाषा विज्ञान किसे कहते हैं और इसके विपरीत विशिष्ट भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। दोनों भाषा विज्ञानों की हमने संकल्पना जो है स्पष्ट की है, संकल्पना पर जो है चर्चा की है, और आगे भी हम भाषा विज्ञान के प्रकारों पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।